सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले ये बताने की कोशिश करूंगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार की गतिविधियां जो है, किस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिसे हम प्रबंधकीय गतिविधि या मैनेजरियल एक्टिविटी कहते हैं, क्यों इसको सबसे महत्वपूर्ण माना है, तो वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो तकनीकी गतिविधियां, जो टेक्निकल एक्टिविटीज हैं, वो किस तरह से जो है कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई ऑब्वियसली बात है कि कोई भी इंडस्ट्री है तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और एडजस्टमेंट, ये बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी जो इंडस्ट्री है, वो बेसिकली बेस्ड ही प्रोडक्शन पर है, मैन्युफैक्चरिंग पर है, और साथ साथ की एडजस्टमेंट मतलब होता है कि कोई भी जो चीज़ आप बना रहे हो वो समय की मांग के हिसाब से उसके अंदर जो है वो अनुकूलन या एडजस्टमेंट हो रहा है या नहीं। बहुत सारी आपने कंपनियां देखी होंगी जो अपने आप को समय के हिसाब से ढाल नहीं पाए, अनुकूलित नहीं कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए और वो बंद हो गई। तो बेसिकली केवल उत्पादन या प्रोडक्शन कर देने भर से या मैन्युफैक्चरिंग कर देने भर से जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। उसके साथ साथ एडजस्टमेंट भी, अनुकूलन भी जो है वो करना पड़ता है। तो ये बेसिकली जो टेक्निकल एक्टिविटी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बदलते वक्त के साथ अपने टेक्निक को बदलती रहती हैं कंपनियां, आपने देखी होंगी, वो जो है ग्राहकों की पसंद बनी रहती हैं, और जो टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाती हैं वो बेसिकली कुछ समय के बाद वो बंद हो जाती हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये जो टेक्निकल एक्टिविटी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल एक्टिविटी, जिसे हम वाणिज्यिक गतिविधियां कहते हैं। तो वाणिज्यिक गतिविधियों में क्रय विक्रय और विनिमय, यानी कि सेल, परचेज और एक्सचेंज। तो बेसिकली ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो बेसिकली वो आपका किस वर्ग का है, उस जो कस्टमर है उसकी चॉइस क्या है, उसकी पसंद क्या है। तो ये बेसिकली इस एक्टिविटी में, कॉमर्शियल एक्टिविटी में, बेहद कुशाग्र बुद्धि का, बहुत तेज बुद्धि का आपको प्रयोग करना पड़ता है। आपको जनता की या कस्टमर की नब्ज पकड़नी होती है कि वो बेसिकली जनता चाहती क्या है। तो इसके अलावा आपको बहुत और भी चीजों का ज्ञान होना चाहिए कॉमर्शियल एक्टिविटी में, जैसे आपको अपने जो प्रतिद्वंदी है, जो भी आपका जिससे भी आपका कॉम्पिटिशन है, उसकी ताकत का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा संबंधों का जो भी रिलेशन है उसको किस तरीके से आपको उसका लाभ उठाना है, ओके, और किस तरह से समय के हिसाब से अपने आप को जो है वो बदलना है। तो ये सारी चीजें जो है कमर्शियल एक्टिविटी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा दूरगामी नजरिया होना चाहिए कि भाई आप मतलब दूर की सोच के चले, ये नहीं कि आज के समय में जो कस्टमर की क्या डिमांड है सिर्फ उसी को आप फुलफिल कर रहे हैं। आपको समय के आगे सोचना पड़ेगा कि आखिर जो कस्टमर है उसकी जो डिमांड है वो किस तरह से बदल सकती है, क्या किस तरह से बदल रही है। तो बेसिकली कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की प्रोडक्शन। केवल उत्पादन या प्रोडक्शन कर देने भर से जो है कोई भी जो इंडस्ट्री है वो नहीं चलने वाली है, कि आपने सोचा कि भाई मैंने प्रोडक्शन कर दिया, बात बन गई। प्रोडक्शन के बाद ये भी आपको मतलब ये जानकारी भी होना बहुत जरूरी है कि मार्केट में किस तरह से जो है आपको अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना है। और इसके अलावा एक्सचेंज भी, ऑफर भी, आपको आप देखते होंगे तमाम अखबारों में भरे पड़े रहते हैं, बहुत सारी जो कंपनियां हैं अपना सामान बेचने के लिए एक्सचेंज ऑफर लाती हैं कि भाई आप आइए, पुराना सामान हमें दीजिए और नया सामान ले जाइए। तो बेसिकली अपने ग्राहकों को किस तरीके से लुभाना है कंपनियों को, तो ये चीज भी जो है वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये दोनों ही जो एक्टिविटी है बहुत महत्वपूर्ण है, टेक्निकल एक्टिविटी और कॉमर्शियल एक्टिविटी। इसके अलावा तीसरी एक्टिविटी है वो है फाइनेंशियल एक्टिविटी, यानी वित्तीय गतिविधियां। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली दो काम होते हैं, कि पहला कि जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, पूंजी की तलाश जिसे हम कहते हैं। तो केवल
कोई भी कंपनी स्वयं में इतना सक्षम नहीं होती कि वो जो है पूरा का पूरा पैसा जो है वो अपनी कंपनी में झोंक दे। तो वो क्या करती है कि कस्टमर से बॉन्ड के रूप में या जो शेयर्स के रूप में जो है वो लेती है। तो बेसिकली पूंजी कहाँ से आएगी, पूंजी की तलाश करती है कोई भी कंपनी। और उसके बाद जब वो पूंजी को एकत्र कर लेती है, पैसे को इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद उसका अगला जो मोटो होता है कि उस पैसे को किस तरह से जो है वो उसका मैक्सिमम उपयोग करना है। और इसके अलावा ये भी हमें देखना होता है कि जो फाइनेंशियल बैलेंस है, जो वित्तीय संतुलन है, वो भी बना रहे। तो इन सारी चीजों को जो है वो ध्यान रखा जाता है फाइनेंशियल एक्टिविटी में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि देखिए कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फिर चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, वो बेसिकली चलता तो सब वित्त से ही, यानी फाइनेंस से ही, पैसे से ही है। तो पैसा बहुत महत्वपूर्ण जो है फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि पैसे से मतलब पैसा लगाएंगे तभी जो है वो पैसा आएगा। तो ये तो हर जो इंडस्ट्री है उसका एक बेसिक फंडा है कि भाई आप पैसा लगाएंगे तो पैसा आएगा, लेकिन सवाल है कि पैसा लगाएंगे कहाँ से, आएगा कहाँ से। तो पैसा कहाँ से आएगा और कैसे जो है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, वो चीजें जो है वो आप फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर सीखते हैं। तो ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है, बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद चौथी एक्टिविटी है सेफ्टी एक्टिविटी, यानी सुरक्षा संबंधी गतिविधियां। तो इसमें यानी कि दोनों तरीके की सुरक्षाएं आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा, इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पूंजी या संपत्ति लगी हुई है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, उसकी सुरक्षा। तो यानी दोनों ही सुरक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों की सुरक्षा किस तरह से करती है, तो आप देखते होंगे तमाम कंपनियां, फिर चाहे वो सरकारी, आप देखते होंगे कि सरकार भी जो है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो पेंशन और जो बीमा सुरक्षा प्रदान करती है, तो प्राइवेट कंपनियां भी आपने देखा होगा कि इसी प्रकार की जो है सेफ्टी नीड्स जो है वो फुलफिल करती हैं अपनी वर्कर्स का। इसके अलावा ऑब्वियसली बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो उसके अंदर जो संपत्ति, जो उसकी पूंजी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरा पूरा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसकी भी सेफ्टी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते तो लोग ही हैं, और उन लोगों की सुरक्षा जो है वो, सेफ्टी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बनना चाहता। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो जो जॉब की सिक्योरिटी है, उसकी खुद की सिक्योरिटी है, वो बनी रहे। और कोई भी व्यक्ति जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का मेंबर बनता है, चाहे फिर वो सरकारी है चाहे वो फिर प्राइवेट है, वो तभी बनता है जब उसको अपनी सेफ्टी नीड्स जो है वो दिखती हैं कि हाँ भाई मेरा जो जॉब जो है वो सिक्योर है, मैं खुद सिक्योर हूँ। तो सिक्योरिटी जो फीचर्स हैं, जो सिक्योरिटी एक्टिविटी है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एक्टिविटी, यानी लेखा गतिविधियां। लेखा गतिविधियों का अर्थ होता है कि भाई आप इसमें पूरे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्लोजिंग बैलेंस क्या आता है, और जो है ओपनिंग बैलेंस स्टॉक क्या आता है। तो सारी चीजें जो है वो एक्टिविटी इस अकाउंटिंग एक्टिविटी में रखी जाती हैं। इसके अलावा जो है जो जितने भी डाटा हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण हो गया है डाटा किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी, चाहे वो फिर वो सरकारी आप योजना बना रहे हो चाहे वो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो डाटा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो डाटा कलेक्शन का काम भी जो है वो सब अकाउंटिंग एक्टिविटी में रखा जाता है। तो ये सारा आंकड़े इकट्ठे करना और हानि लाभ इन सब का जो मेंटेन करना है वो सब जो है वो लेखा गतिविधियों में रखा जाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। नेक्स्ट है जो सबसे लास्ट में हेनरी फेवर ने कहा है, वो है मैनेजरियल एक्टिविटी, यानी प्रबंधकीय की गतिविधियां। तो हेनरी फेवर का बेसिकली प्रबंधकीय की गतिविधियों पर, मैनेजरियल एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा जोर है। उनका कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता या असफलता उसकी मैनेजरियल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, प्रबंधकीय की गतिविधियों पर निर्भर करती है। यानी कि वो कहते हैं कि इन पांचों एक्टिविटी से जो अब तक आपने पढ़ी उनसे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजरियल एक्टिविटी है, प्रबंधकीय की गतिविधियां हैं, वो किस तरीके से जो है हो रहे हैं। तमाम ऐसी कंपनियां जो बाकी सब फीचर्स को, बाकी सब एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से कर रही थी, लेकिन उनकी मैनेजरियल एक्टिविटी खराब होने की वजह से कंपनियां जो है
वो डूब गई। और कई कंपनियां आपने, चूंकि हेनरी फ्यूल के बारे में जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया कि हेनरी फ्यूल जब कंपनी के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो वो कंपनी घाटे में चल रही थी, और उस घाटे की कंपनी को, जिसके बारे में लोगों का ये मानना था कि हम कभी अपने उस घाटे से नहीं उबर पाएगी, उसको उस समय तत्कालीन फ्रांस की सबसे टॉप मोस्ट जो है वो कंपनी में जो है हेनरी फ्यूल ने उसको शामिल किया। तो केवल अपनी मैनेजरियल एक्टिविटी यानी प्रबंधकीय गतिविधियों की वजह से एक घाटे में रहने वाली कंपनी को उन्होंने एक प्रॉफिट वाली कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो उनका कहना है कि किसी भी कंपनी की जो मैनेजरियल एक्टिविटी है वो सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी सारी गतिविधियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो मैनेजरियल एक्टिविटी को मानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अब मैं जो है, जो मेरा अगला टॉपिक है वो मैनेजरल एक्टिविटी है, कि एक प्रबंधकीय की गतिविधियों के जो फंक्शंस हैं उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, पहले भी मैंने आपको बताया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ओके, तो अब मैं आपको डिटेल में आपको मैं आपको बताता हूँ कि मैनेजरल एक्टिविटी में यानी प्रबंधकीय की गतिविधियों के में कौन कौन से फंक्शन जो है, कौन कौन से जो है फंक्शंस वो आते हैं, तो मैं इसे डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अब तक ये पूरा जितना भी मैंने आपको बताया है वो समझ में आ रहा होगा। चलिए चर्चा करते हैं हम मैनेजर एक्टिविटी की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रबंधकीय की गतिविधियाँ क्या हैं। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।